फ्रेंड्स, मैं हूँ मयूरी और मयूरी का किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मैं आपके साथ गुजरात की फेमस डिश हांडवा की रेसिपी शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं, ये देखने में ही कितना यम्मी लग रहा है। ऊपर से ये क्रंची, अंदर से ये सॉफ्ट, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस हांडवे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम गुजरात का फेमस हांडवा बनाएंगे। तो हांडवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 1.5 कटोरी चावल लिया है। हम सारा मेजरमेंट एक ही कटोरी या बाउल से लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी चावल लिया है, उसी बाउल के मेज़रमेंट से मैंने यहाँ पर आधा बाउल चने की दाल ली है, 1/4 बाउल उड़द दाल ली है, आप देख सकते हैं ये बिना छिलके की ली है, और 1/4 बाउल मूंग दाल और 1/4 बाउल तुअर दाल ली है, और मैंने यहाँ पर ये 1 टेबल स्पून मेथी ली है। हांडवा बनाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ध्यान रखिएगा, हम सारे मेजरमेंट एक ही बाउल या एक ही कटोरी से करेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा, हमें मेथी इसमें नहीं डालनी है, सारी दाल और चावल ही हमें इसमें डालना है। हमने सारे दाल चावल इस बर्तन में निकाल लिए हैं। हमने मेथी यहाँ पर अलग ही बाउल में रखी है। अब हम इनको अच्छे से 2-3 बार साफ पानी से धो लेंगे। हमको 2-3 बार अच्छे से इनको धो देना है। तो हमने इन दाल चावल को अच्छे से धो लिया है, आप देख सकते हैं, और अच्छे से इसको पानी में भर के रख दिया है ताकि ये दाल चावल अच्छे से भीग जाए और फूल के डबल हो जाए। और मैंने मेथी को भी यहाँ पर धो दिया है और भिगोने के लिए रख दिया है। अब हम इनको कवर करके 4 से 5 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। तो हमारे यहाँ पर 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, हमारे दाल चावल और ये मेथी अच्छे से भीग चुकी है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए हमारे दाल चावल यहाँ पर कितने अच्छे से फूल चुके हैं। आप ये देखिए, इसको इस तरह से कट करेंगे तो ये आराम से कट हो जाएंगे। ये मेथी भी हमारी अच्छे से भीग चुकी है। अब हम यहाँ पर एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और इन दाल चावल को थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे। और ये मेथी भी जो हमने भिगाई थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। हम यहाँ पर ये 1/4 कप दही डालेंगे और इसको पीस लेंगे, और बचे हुए में भी फिर 1/4 कप डाल के हम इसको पीस लेंगे। तो टोटल हमको 1/2 कप यहाँ पर दही चाहिए। अब अच्छे से हम इसको पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इसको बारीक अच्छे से पीस लिया है। आप ये देखिए, ये हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। हमने यहाँ पर पानी नहीं मिलाया था क्योंकि जब हम दाल चावल डाल रहे थे तो उसके साथ साथ थोड़ा सा पानी आ रहा था, और हमने यहाँ पर दही ऐड किया तो ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अगर आपको पीसते टाइम ऐसा लग रहा है थोड़े पानी की ज़रूरत है तो आप थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से पीस सकते हैं। हमको इस तरह से बिल्कुल ये बारीक पेस्ट बनाना है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। बचे हुए दाल चावल भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। इस दाल चावल में भी हम 1/4 कप दही ऐड करेंगे और अच्छे से पीस लेंगे। मैंने यहाँ पर बचे हुए दाल चावल को भी पीस कर इसमें मिक्स कर लिया है। हमने पूरे बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। बैटर की कंसिस्टेंसी अभी ऐसी ही रखनी है। तो हमको इस बैटर को 5 से 6 घंटे के लिए कवर करके रख देना है ताकि हमारा बैटर ही अच्छे से फर्मेंट हो जाए। अभी गर्मी का सीजन है तो ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। गर्मी के सीजन में बहुत ही जल्दी फर्मेंट हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर 5-6 घंटे हो चुके हैं और हमारा ये बैटर अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। अभी देखिए हमारा ये बैटर कितना फ्लफी हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक दूसरा बाउल लेंगे और उसमें यहाँ पर 1/2 बैटर इस बाउल में निकाल लेंगे।
थोड़ा सा बैटर हम इसमें डाल लेंगे। हमने लगभग आधा बैटर इसमें निकाल लिया है। तो अब देखिए हमको बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है। अब हम यहाँ पर मैंने यहाँ पर इतनी साइज की ये लौकी ली है, जिसको मैंने यहाँ पर छिलके उतार के इसको ग्रेट करके रखा है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे। लौकी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। थोड़ा सा हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, चुटकी हींग, एक चम्मच शक्कर, एक छोटा चम्मच नमक, नमक और मिर्च आप आपकी टेस्ट अकॉर्डिंग रख सकते हो, आधा छोटा चम्मच जीरा। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले और लौकी मिलाने के बाद हमको हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी चाहिए। अब हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हम यहाँ पर ये सोडा मिलाएंगे। ये खाने वाला सोडा है और उसके ऊपर हम एक छोटा चम्मच ये नींबू का रस डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे तो हमारा बैटर अच्छे से फर्मेंट हो चुका था, पर हम सोडा नहीं मिलाए तो भी यहाँ पर चल जाता है। बट अगर हमको हमारे हांडवे को और थोड़ा सा फ्लफी और सॉफ्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा सोडा ऐड कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ पर सोडा अवॉइड भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर ये बैटर कितना अच्छे से फूल चुका है, सोडा पूरा इसमें अच्छे से मिल चुका है। अब हम यहाँ पर हांडवा बनाएंगे। तो हांडवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने यहाँ पर एक बड़े चम्मच ऑयल डाला है। अब हम ऑयल को गर्म होने देंगे। तो हमारा यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पर आधा छोटा चम्मच ये राई ऐड करेंगे, एक छोटा चम्मच सफ़ेद तिल, और मेरे पास यहाँ पर कुछ सूखे करी पत्ते हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। अभी कोरोना के चलते लॉकडाउन हो रहा है तो मेरे पास यहाँ पर अभी फ्रेश ये करी पत्ता नहीं है, तो मैंने यहाँ पर इस सूखे करी पत्ते को यूज़ में लिया है। अब हम इनको थोड़ी देर भून लेंगे। हमारे तिल और राई यहाँ पर अच्छे से स्पार्कल होने लगे हैं, ये अच्छे से भून चुके हैं। अब हमने जो ये बैटर रेडी किया था वो बैटर हम इसमें डालेंगे। दो चम्मच के आसपास हमने यहाँ पर ये बैटर लिया है। तो मोटा पतला कैसा रखना है वो आप पर डिपेंड करता है। हम यहाँ पर ज़्यादा भी मोटा नहीं रखेंगे और ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और इसको कवर कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमको इसको पकने देना है। तो हमारे यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर से पूरी तरह से अच्छे से पक चुका है और नीचे भी इसका ये गोल्डन कलर आ चुका है। अब धीरे से हम इसको पलट देंगे। देख सकते हैं इसके नीचे कितना अच्छा कलर आ चुका है। अब एक चम्मच ऑयल हम यहाँ पर साइड में और फिर से डाल देंगे और नीचे की भी साइड को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। फिर से हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पर नीचे की साइड भी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो हमारा ये हांडवा नीचे की साइड भी अच्छे से पक चुका है। तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये गुजरात का फेमस हांडवा आप ये घर पर बना सकते हो और आप इसको गर्मा गर्म सॉस के साथ खा सकते हो। ये हांडवा बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी रहता है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।